हाय स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सो एज़ प्रॉमिस कि मैं आपको एक छोटा वीडियो बनाऊंगा रिगार्डिंग दी इंफ्रा एंड दी हॉस्टल्स फॉर दी कॉलेज, राइट। सो मैं बिल्कुल एक तरह से कॉरिडोर में खड़ा हूँ और फिर से मेरे पीछे देखे, ये वो कॉलेज की बिल्डिंग थी। अब कॉलेज से बाहर आ गए एंड वी आर इन दी स्टूडेंट अकोमोडेशन एंड कैंटीन एरिया। तो ये मेरे पीछे है, ये कैंटीन है, आपको एक झलक दिखा देता हूँ कैंटीन की। और सीम्स टू बी प्रीटी गुड कैंटीन, बच्चे अभी खा रहे हैं। ऑप्शन होती है ना लंच में, कॉलेज में करना है या वो करना है, तो ये आप देख सकते हैं ये कैंटीन चल रही है। ओके, और दोनों हॉस्टल्स हैं यहाँ पर, बिल्कुल सेपरेट बॉयज़ हॉस्टल, सेपरेट गर्ल्स हॉस्टल। मेरे ठीक पीछे आप वहाँ देखिए, दैट बिल्डिंग इज़ पीजी बॉयज़ हॉस्टल, दैट बिल्डिंग इज़ यूजी बॉयज़ हॉस्टल, एंड ठीक पीछे इज़ गर्ल्स हॉस्टल। सो देयर इज़ क्लियर कट सेपरेशन जो कि हमें चाहिए होता है। सो सीम्स प्रीटी गुड, प्रीटी सेफ एनवायरनमेंट फॉर गर्ल्स, एंड जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, खासकर पेरेंट्स को लगता ही है कि व्हाट इज़ दी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर फॉर फीमेल स्टूडेंट्स। सो आप देख सकते हैं कि ये हम थोड़ा सा गर्ल्स हॉस्टल की तरफ ही जा रहे हैं, और ये वो बिल्डिंग सामने है, और आई एम लुकिंग एट द गर्ल्स हॉस्टल, और सामने ही गर्ल्स हॉस्टल की ही मेस है, कॉमन मेस लग रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक सामने से बॉय भी बैठा हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए, पीजी डाइनिंग हॉल अलग है, तो ये लिखा हुआ है स्पेशली पीजी डाइनिंग हॉल, और ये फिर होगा यूजी डाइनिंग हॉल। सो दिस इज़ द मेस एरिया, राइट। और इससे पहले कि खाना ख़त्म हो जाए देख लेते हैं, और हम चाहते थे कि रैदर दैन, बेटा आप लोग, आई एम रियली सॉरी, सो रैदर दैन These are the students who are eating food, और जो मैंने आपसे वादा किया था, देखिए आपने मेरे सारे MBBS के वीडियोज़ में देखा होगा, ये ना कहने की बात होती है जी सिर्फ पढ़ाई करनी है। हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, और मैं भी रिसेंटली आपने वीडियोज़ में नेपाल देखा था, नेपाल इज़ इंडिया, बट मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया भी गया था, और मैं परेशान हो गया था खाने को लेके। तो ना ये इतना आसान नहीं होता है कि जी बच्चे ने तो पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, खाना हम मैनेज कर लेंगे, जैसा मर्जी मिल जाए, ऐसा होता नहीं है। सो आज का मेन्यू मैं बताऊँ तो जो हम सफ़ेद छोले कहते हैं, सफ़ेद छोले हैं, सीताफल की सब्ज़ी है, वाइट राइस है, चपाती हैं, और यहाँ पर आप देखिए सैलेड है, दही है, और अचार है, राइट। सो अ टिपिकल नॉर्थ इंडियन फूड, रोटी, चावल, चने, सब्ज़ी, सलाद और रायता, और इस तरह चार बार खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच, शाम के स्नैक और डिनर। एंड वंस अगेन, जो खासकर जो हमारे नॉर्थ इंडियंस हो गए या बाकी भी हो गए, देखिए फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो ऐसा नहीं होता है कि भाई सर पढ़ाई 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 तो खैर बहुत अच्छी है इस कॉलेज की, लेकिन जो मैं चाहता था आपको दिखाना, इसलिए हम लंच टाइम में आए हैं जब मैस में खाना खाया जा रहा है। और जो मैस का खाना होता है ना, ये चूँकि बच्चे ने 4.5 साल जमा 1 साल इंटर्नशिप, 5.5 साल खाना है, तो इसमें कम्प्रोमाइज़ नहीं चलता है कि भाई काम चला लिया, इसमें आप वही खाना खाना चाहते हो जो आपको खा के अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, और आप रोज़ खा सकते हो। और तभी जो मैं MBBS के वीडियोज़ भी बनाता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि गिवन एन ऑप्शन, नॉर्थ इंडियंस को केरला या तमिलनाडु नहीं जाना चाहिए फॉर द डिफरेंस ऑफ फूड। फॉर दैट मैटर कर्नाटका में भी दिक्कत शुरू हो जाती है, पर ठीक है, कस्तूरबा में मिल रहा है एडमिशन, या JSS में मिल रहा है, या JLN में मिल रहा है, तो बात अलग है। बट वहाँ अगर आप नहीं जा रहे हो तो भाई फूड इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एंड नॉर्थ इंडियन कल्चर है, सब कुछ ठीक है, ठंडा पानी मिल रहा है, कैंटीन हमने बाहर देखी थी, गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल आर सेपरेट, सो दिस इज़ फॉर यू मेस सिस्टम। तो सर 4 times 4 meals a day? यस सर, सुबह, दोपहर, शाम का स्नैक और रात का खाना, रिफ्रेशमेंट है मॉर्निंग का, हाँ भाई, और रात का खाना। सो प्रीटी गुड, ठीक है। सो दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, और अगेन आई रिकमेंड इस कॉलेज में आइए, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, रहने में, खाने पीने में, हर चीज़ में। और जो मैं एक चीज़ सीखा हूँ फैकल्टी से बात करके, बच्चों से बात करके, इफ़ यू वांट टू बी अ BDS डॉक्टर हु इज़ रेडी टू प्रैक्टिस आफ्टर ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर इंटर्नशिप, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज कॉलेजेस जिसमें आप सिर्फ डिग्री लेके बाहर निकलोगे, आप एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बन के बाहर निकलोगे। और देखिए प्रैक्टिस और अब तो खैर ज़िंदगी में कभी भी नहीं है, राइट, लेकिन जो हम सुनते हैं ना अक्सर
कि कई कॉलेजेस के BDS ऐसे होते हैं कि जब वो इंटर्नशिप करके निकलते हैं तो भी कुछ नहीं हाथ होता और फिर दे हैव टू एक्चुअली ज्वाइन एज ए कंप्लीट असिस्टेंट. आई थिंक दिस कॉलेज इक्विप यू इनफ सो दैट कि आप पहले दिन पे अपना क्लिनिक भी खोलना चाहे खोल सकते हैं या किसी बड़े हॉस्पिटल में बड़े क्लिनिक में वेरी फ्रेंकली क्लोव डेंटल जैसे चेन में अगर आप जॉब करना चाहें तो आई थिंक दे वुड बी वेरी हैप्पी टू हायर यू ऑन डे वन एज ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एंड नॉट एज ए ट्रेनी. सो दिस इज आई कैन टेल यू दैट यू विल गेट. हमसे संपर्क करना चाहें यू नो अवर नंबर 9643362320 पे कॉल कीजिए. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.